नमस्कार। अब से चार घंटे के बाद दुबई में दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट मुकाबला होने जा रहा है। भारत और पाकिस्तान शाम 5 बजे होंगे आमने सामने। भारत जहां चैंपियंस ट्रॉफी में मिली हार का बदला लेने के लिए उतरेगा, तो वहीं पाकिस्तान जीत के सिलसिले को बरकरार रखने के इरादे से उतरेगा मैदान में। देश के कई शहरों में जीत के लिए दुआओं का दौर शुरू हो गया है। देखिए देश के अलग अलग शहरों में किस तरह से लोग टीम इंडिया की जीत के लिए दुआएं कर रहे हैं। मंदिरों में पूजा की जा रही है और मैच का फीवर अभी से चढ़ने लगा। कुछ घंटों का इंतजार और शाम 5 बजे होगा भारत का पाकिस्तान से सामना। दुबई में होने जा रहा है ये महामुकाबला। चैंपियंस ट्रॉफी में मिली हार का बदला लेना चाहेगा भारत, तो वहीं जीत के सिलसिले को बरकरार रखना चाहेगा पाकिस्तान। लेकिन इस बार हिंदुस्तान की हुंकार है और पाकिस्तान को हराने का दमखम रखती है ये टीम। तो कानपुर, पटना, जबलपुर किस तरह से मैच का फीवर अभी से चढ़ गया है। मंदिरों में पूजा की जा रही है, भारतीय टीम की जीत के लिए दुआएं मांगी जा रही हैं और इस महामुकाबले का इंतजार किया जा रहा है। और मैच फीवर को लेकर हमारे तमाम संवाददाता अलग अलग शहरों से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिल्ली का रुख कर लेते हैं। सबसे पहले सूरज हमारे साथ हैं। सूरज, किस तरह से लोगों में बेसब्री है, बेताबी है इस मैच को लेकर और टीम इंडिया से किस तरह की उम्मीद है? विशाल, इस वक्त हम इनर सर्कल, कनॉट प्लेस, दिल्ली का दिल कहा जाता है, वहां मौजूद हैं और कुछ लोग यहां पर आपको दिखाई दे जाएंगे चेस खेलते हुए और साथ ही साथ महामुकाबले का इंतजार भी करते हुए। क्या नाम है आपका? मैं डीएस मेहता। अच्छा मेहता साहब, आज महामुकाबला है तो किस तरह की तैयारियां हैं, क्या कुछ होने जा रहा है और उम्मीद कितनी? नहीं, उम्मीद तो बहुत है, कल भी बहुत उम्मीदें थी। आज इंडिया पाकिस्तान का बहुत बड़ा मैच होता है जिसका एक बहुत टाइम से वेट लोग होता, और आशा यही करेंगे कि कल से बहुत बेटर इंडिया खेलेगी और जीतेगी मैच। बट उसके बाद ये कहूँगा कि मैच अच्छा मैच होना चाहिए, फाइटिंग मैच होना चाहिए और गेम स्पिरिट ऊपर होनी चाहिए, और एज ए इंडियन तो हम देखेंगे इंडिया ही नहीं जीतना चाहिए, जीतेगी भी। अच्छा, मतलब चाहते क्या, रोमांचक मुकाबला आप चाहते हैं, मतलब एक तरफा जीत नहीं चाहते हैं? नहीं, बिल्कुल रोमांचक मुकाबला चाहते हैं, एक तरफा जीत नहीं चाहते हैं। जो टीम बेटर खेले वो जीते, एज ए इंडियन इंडिया ने जीतना चाहिए। बट जैसे कल मैच हुआ था उससे सबक लेते हुए बॉलर्स ने ध्यान देना चाहिए। जैसे कल 172 में कोई विकेट नहीं था, वही हालत रही तो मुश्किल हो सकता मैच, बट फिर भी इंडिया ने कल के मुकाबले को देखते हुए बहुत अच्छा ध्यान रखना होगा, सावधान रहना होगा। अंकल जी, आप चेस खेल रहे हैं, पूरा ध्यान आपका उधर है, लेकिन आज भारत और पाकिस्तान का महामुकाबला है, किस तरह की तैयारियां हैं, क्या करने जा रहे हैं? बस हम भी इंटरेस्ट है, देखना है और तैयारी के देखने के लिए तैयार है। जाने वाले घर चेस छोड़ के फटाफट चलो। बस कनॉट प्लेस में आप भी बैठे हैं, मैच का कितना इंतजार है, किस तरह की तैयारियां हैं आप? भाई टाइम इसीलिए पास कर रहे हैं, टाइम मिले अपना चलेगा। अच्छा, आज मैच के लिए खास तौर पे इंतजार रहेगा? हाँ, मैच। अच्छा, आज उम्मीद किससे ज्यादा है, धवन से ज्यादा उम्मीद करते हैं? अपना काम कर गए, आज धोनी है, रोहित शर्मा है, आज इन पे है इंडिया का, ये तो भाई कोई एक चल जाए तब मैच ले जाते हैं। अच्छा, गारंटी कितनी मानते हैं कि भारत की जीत हो जाएगी इस मैच में? 75% है, पर दूसरे को कमजोर नहीं समझना चाहिए, दूसरे को भी कमजोर नहीं समझना चाहिए और सावधान रहना चाहिए। विशाल, सीधे तौर पर यह जरूर कहा जा सकता है कि महामुकाबले से पहले दर्शकों की धड़कनें भी ऊपर नीचे जरूर हैं। बिल्कुल, दर्शकों की धड़कनें ऊपर नीचे हैं। पटना का रुख कर लेते हैं, रजनीश हमारे साथ। रजनीश, पिछले कुछ वक्त भारत के सबसे बड़े बल्लेबाज के तौर पर उभरे हैं विराट कोहली। विराट कोहली की गैर मौजूदगी में यहां दर्शकों को सबसे ज्यादा उम्मीदें किस खिलाड़ी से? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने, मैं तस्वीर आपको दिखा दूं, विराट कोहली भले ना खेल रहे हो मगर पटना में उनको मिस कर रहे क्रिकेट प्रेमी हाथ में तस्वीर लिए हुए हैं, और दूसरी तरफ महेंद्र सिंह धोनी की तस्वीर, भारत का झंडा, यानी लोगों को उम्मीद धोनी से बहुत ज़्यादा है क्योंकि धोनी झारखंड से आते हैं। आज आप सबसे ज़्यादा किससे उम्मीद कर रहे हैं? मेरा उम्मीद पूरे इंडियन प्लेयर से है, लेकिन धोनी का तस्वीर लेके आज हम लोगों ने भगवान के नज़र में जो प्रार्थना कर रहे हैं आकर के, धोनी से भी उम्मीद बहुत सारी है कि वो अच्छा खेलेंगे और अपने देश को जिता कर आज ऐतिहासिक एक फैसला लेंगे। क्या आप क्या चाहते हैं, कौन खेले आज, किसके लिए सबसे ज़्यादा दुआ मांगी आपने भगवान से? हम लोग धोनी के लिए आज दुआ मांगे हैं कि धोनी मतलब अच्छा, मतलब धोनी अच्छा नहीं खेले थे, कोहली को मिस कर रहे हैं, कौन खेले आज? आज सबसे बढ़िया शिखर धवन खेलेंगे, हम उनको चाहते हैं कि बढ़िया खेले आज और इंडिया। तो शिखर धवन खेले आज, कौन क्या सोचते हैं, आज कौन सबसे अच्छा खेले भारत की ओर से?
उम्मीद तो सभी प्लेयरों से है, तो सभी से उम्मीद है। और देखिए धोनी से खास करके पटना के लोगों को बिल्कुल, विराट कोहली की गैर मौजूदगी में सबसे ज्यादा अगर किसी खिलाड़ी से यहां पर दर्शकों को उम्मीद है तो वो है महेंद्र सिंह धोनी। और मैच से पहले भारत पाकिस्तान के फैंस आमने सामने हैं, दिल्ली से दुबई तक फैंस में जंग छिड़ी है और इस जंग में पाकिस्तानी न्यूज चैनल की महिला एंकर्स भी कूद पड़ी हैं। आइए आपको दिखाते हैं। इंडिया पाकिस्तान का बड़ा मैच है और मेरे साथ पाकिस्तान के दो मशहूर जर्नलिस्ट हैं, उनसे हम बात करेंगे। बिस्मा मेरे साथ हैं, मुनज़्ज़ा मेरे साथ हैं और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि टक्कर दे पाएगी पाकिस्तान की टीम भारत को एशिया की इस जंग में। क्या लग रहा है बिस्मा, क्या करने वाली है पाकिस्तान इस मैच में? पाकिस्तान टक्कर ऐसी देने वाली जैसी पाकिस्तान ने आप लोगों को चैंपियंस ट्रॉफी में टक्कर दी थी। अभी तक वही लेके बैठे हो, लास्ट मैच तो वही था ना, तो आई थिंक ज्यादा रेलेवेंट यही रहेगा कि हम आपको इसका रेफरेंस दें। काफी ज्यादा बड़े मार्जिन से हम लोगों ने आप लोगों को डिफीट किया था, ऊपर से ये तो हमारा होम ग्राउंड है, इसमें तो हमारे लिए कोई मसला होने वाला है ही नहीं। आप लोगों का कोहली मिसिंग है, बैटिंग लाइनअप फिर भी अच्छा है, लेकिन हम लोग भी अपनी फुल फोर्स फुल जान लगा देने वाले हैं और ये मैच तो पाकिस्तान ही जीतने वाली। विराट नहीं लेकिन हमारे पास धोनी है, वो करारा जवाब दे सकते हैं पाकिस्तान। Absolutely yes, but still we must say इस वक्त जो है पाकिस्तान के बॉलर्स बड़ी अच्छी फॉर्म में, हमारे पास हसन है, हमारे पास इनबारी है, हमारे पास वहीम अशरफ है, they all are in a very good form। इनकी expectation है कि bowling lineup भी बहुत ज़्यादा strong है, फ़खर ज़मान ने बल्लेबाजी में champion trophy के final मुकाबले में दिखाया था, लेकिन इंडिया की batting lineup भी कम नहीं है, बहुत ज़्यादा strong है, रोहित शर्मा है, शिखर धवन है, बैटिंग लाइनअप हमेशा से स्ट्रॉन्ग रही है और ये एक ट्रेडिशन भी रहा है पाकिस्तान की बॉलिंग वर्सेज इंडिया की बैटिंग, इस बार भी यही मान रहे हो? कम्प्लीटली यही मान रहे हैं, कोहली का बेशक है काफ़ी बड़ा डेंट होने वाला है टीम के लिए, लेकिन इंडिया का बैटिंग लाइन अप फ्रॉम द वर्ल्ड को इतना स्ट्रॉन्ग है, रोहित शर्मा हु इज़ माई फेवरेट आई एक्सेप्ट दिस ऑन कैमरा, मुझे बहुत पसंद है, देन यू हैव धोनी के पास आपकी बात पहुँचा देंगे। प्लीज़ मेरी बात पहुँचाइएगा, मैं उनकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, चैंपियंस ट्रॉफी में मुलाकात हुई थी ब्रीफ सी, तो आई थिंक उनको ज़्यादा ट्रबल करने वाली नहीं है। कंपेयर टू पाकिस्तान बैटिंग लाइन अप वी रिलाइंग वी बैंकिंग ऑन फ़खर ज़मान। शोएब मलिक के बारे में भी कुछ बोल दीजिए, आपका और हमारा दोनों का रिश्ता है साथ। शोएब मलिक के साथ बेशक हम दोनों का रिश्ता है, शोएब मलिक का काफ़ी अच्छा रिकॉर्ड रहा है अगेंस्ट इंडिया और वो एक थोड़ा सा मैच्योरिटी लेवल भी लेकर आते हैं इनटू द टीम, बाकी पाकिस्तान की टीम थोड़ी यंग है, सो ही काइंड ऑफ बैलेंसेस दैट। चलिए बिस्मा भी जोश में है, मुनज़्ज़ा भी जोश में और हम भी जोश में हैं, तो एक रोमांचक मुकाबले की उम्मीद तो बनती है कि इंडिया पाकिस्तान के जो मैच होते हैं ना हमेशा वो वाला नहीं, चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल वाला नहीं, थोड़ा टक्कर वाला मैच और हम एक्सपेक्ट करेंगे कि इंडिया इस मुकाबले को जीते और एशिया की जंग भी जीते। वीडियो जर्नलिस्ट अतुल राज के साथ रविश बिष्ट, न्यूज़ नेशन, दुबई। और जयपुर से लाल सिंह फौजदार भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लाल सिंह, यहां पर दर्शकों का क्या कहना है क्योंकि दुबई को एक तरह से पाकिस्तान का होम ग्राउंड माना जाता है और कल ही मैच टीम इंडिया ने खेला है, बहुत ज्यादा आराम भी नहीं मिल पाया टीम को, दर्शकों की उम्मीदें सबसे ज्यादा किससे हैं? देखिए विशाल, जब भी भारत और पाकिस्तान का मैच होता है तो दोनों ही देशों की धड़कनें बढ़ जाती हैं और विशेषकर क्रिकेट प्रेमी इस पल को बखूबी इंतजार करते हैं कि वो पल आए जब एक बार फिर हम तिरंगे को अपने हाथ में लेकर जिंदाबाद लगे, क्योंकि तमाम लोगों को इस बात का पूरा भरोसा है कि एक बार फिर भारत पाकिस्तान पर अपनी जीत दर्ज करने जा रहा है। मेरे साथ तमाम जिस ग्राउंड में बैठा हूँ तमाम खिलाड़ियाँ मौजूद हैं और वो भी इंतजार कर रहे हैं कब भारत पाकिस्तान का ये महा मुकाबला शुरू हो और उस जीत का हम जश्न मनाएं। ये तमाम जो लोग हैं ये क्रिकेट से जुड़े हुए हैं, इनसे बात करते हैं। क्या आप, क्योंकि विराट कोहली नहीं खेल रहा है, इसकी कमी खलेगी, आप बता रहे थे, किससे उम्मीद है आपको? सबसे विराट कोहली की कमी हमेशा टीम को खलेगी एशिया कप में, और विराट कोहली नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इंडिया एक स्ट्रॉन्ग साइड है, वो पाकिस्तान पे हमेशा लीड करती आई है और हमेशा करती रहेगी। इंडिया टीम में धोनी है, बहुत एक्सपीरियंस्ड है, वो हमेशा टीम को लीड करने में सपोर्ट करते हैं विराट कोहली का अपने जूनियर्स को, तो हम लोगों को पूरा उम्मीद है कि इंडिया भी इस मैच को जीतेगी। क्या लगता है कल का मुकाबला जिस तरह हांगकांग से टफ हुआ था, आज भी टफ होने वाला है या भारत एक तरफ जीत हो जाएगी? आज भारत की जीत है, आज क्या भारत जो पहले वाले प्लेयर्स खेले थे, जो दो तीन प्लेयर्स न्यू खिलाए हैं वो निकलाएगा और प्लेइंग 11 ये आवाज़ में ज़रा बोलो जो जोश होना चाहिए, किस तरह का जोश है? सर ये मैं कहना चाहता हूँ कि आज इंडिया जीतेगी, क्लियर बात है सर ये तो, ठीक है सर। और पाकिस्तान जो चाहती है कि हम हराना चाहते हैं, कभी जीती तो है नहीं है इंडिया से। और मैं तो ये कहना चाहता हूँ सर, MS धोनी आज 100 मारेगा सर, MS धोनी 100 इंडिया जिंदाबाद। अच्छा बाकी जो बोल रहे हैं, जयपुर में दर्शकों की क्या राय है ये हमने जान लिया, कोलकाता का रुख कर लेते हैं। देवजानी हमारे साथ है, देवजानी पाकिस्तान की गेंदबाजी बनाम भारत की बल्लेबाजी हमेशा से भारत पाकिस्तान मुकाबले की एक खास बात रही है, यहां दर्शकों का क्या कहना है?
बिल्कुल फखर जो है एकदम ओपनिंग करते हैं पाकिस्तान के लिए, और पिछले 5 ODI की बात अगर हम करें तो 3 शतक और 1 अर्धशतक उन्हें मिला है, बेहतरीन परफॉर्मेंस वो दे रहे हैं। तो किस तरह का उनका परफॉर्मेंस रहेगा इंडियन टीम के सामने, इसको लेकर हम कोलकाता के क्रिकेट फैन से बात करेंगे, किस तरह की उम्मीद है आज के मैच को? आज तो 100% हम लोग जीतेंगे, कोई डाउट नहीं है इसमें। विराट कोहली अच्छे फॉर्म में है तो हम लोग का डरने का कोई बात नहीं है, हम लोग का पूरा 11 प्लेयर आज 100% देंगे। आप क्या कहेंगे? आज शाम 5 बजे से मैच है इंडिया पाकिस्तान का, ऑब्वियसली इंडिया जीतेगा क्योंकि इंडिया बहुत अच्छा परफॉर्म में है और हम लोग चाहते हैं कि इंडिया विन हो और ऐसे ही होगा। इंडिया पाकिस्तान मैच को लेकर बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट रहता है, वो तो रहेगा ही, हम लोग का एक मतलब छोटे से हम लोग देख रहे हैं इंडिया पाकिस्तान का एक मैच का, मतलब क्या बोलते हैं, एक्चुअली हर एक टीम से हम लोग को ज़्यादा अच्छा लगता है पाकिस्तान का साथ जब मैच होता है तो अच्छा वो ज़्यादा एक्साइटेड रहता है क्योंकि एक्चुअली इंडियन और पाकिस्तान के बीच में हमेशा कुछ ना कुछ लगा रहता है, इसलिए हम लोग इंडियन को सपोर्ट करेंगे और अच्छा लगता है दिखने में, ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं हम लोग। ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं इंडिया पाकिस्तान मैच में लोग, तो जाहिर तौर पे एक बेहतरीन मैच देखने की उम्मीद है आज कोलकाता के फैंस को। बिल्कुल, देश के हर कोने में हर शहर में लोग कितने उत्साहित हैं इस मैच को लेकर हमारे तमाम संवाददाता लगातार ये बता रहे हैं, और भोपाल में मैच को लेकर लोगों में कैसा उत्साह नज़र आ रहा है बता रहे हैं हमारे संवाददाता जितेंद्र शर्मा। मैच हमें यही उम्मीद है कि इंडिया अच्छा करेगी, और जैसा कि हमने देखा है पाकिस्तान के साथ तो इंडिया ने हमेशा अच्छा ही करा है और इंडिया हमेशा जीती है, और हम उम्मीद करेंगे कि इस बार भी हम इंडिया पाकिस्तान को एक तरफा हराएं और अच्छा खेल के हराएं, जीतेगी क्योंकि हमारी इंडिया टीम की बैटिंग लाइनअप बहुत ही स्ट्रॉन्ग है क्योंकि उसमें बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर जैसे रोहित शर्मा हो गया और शिखर धवन, ये सब बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर हैं, MS धोनी, सब अच्छे प्लेयर हैं, इसलिए आज इंडिया ही जीतेगा। ओपनिंग पार्टनर्स रोहित शर्मा और शिखर धवन, वो दोनों अच्छा चलेंगे तो इंडिया लगभग 300 के स्कोर के ऊपर जाएगा। तो डेफिनेटली फाइट अच्छी है और मैच भी अच्छा है, बस ये है कि माइंड गेम है, जिसने अपना ब्रेन पे कंट्रोल करके मैच खेला, प्रेशर को हैंडल किया, वो डेफिनेटली जीतेगा और मैं चाहता हूँ कि इंडिया ही जीतेगा। तो अब से कुछ ही घंटों के बाद दुबई में दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट मुकाबला होने जा रहा है, भारत और पाकिस्तान शाम 5 बजे होंगे आमने सामने। भारत जहां चैंपियंस ट्रॉफी में मिली हार का बदला लेने उतरेगा, तो वहीं पाकिस्तान जीत के सिलसिले को बरकरार रखने के इरादे से उतरेगा मैदान में। देश के कई शहरों में जीत के लिए किस तरह से दुआओं का दौर शुरू हो गया है, ये 3 तस्वीरें आपके सामने, कानपुर, पटना, जबलपुर, हर जगह लोग काफी उत्साहित हैं इस मैच को लेकर, मंदिरों में पूजा की जा रही है, जीत के लिए दुआएं मांगी जा रही हैं, और विराट कोहली की गैर मौजूदगी में लोगों को सबसे ज्यादा उम्मीदें हैं महेंद्र सिंह धोनी से, रोहित शर्मा से और शिखर धवन से। आज बल्लेबाजी के साथ साथ कप्तानी की जिम्मेदारी भी निभानी है रोहित शर्मा को। दुबई में मौजूद भारतीय कम्युनिटी के लोग भारत पाकिस्तान मुकाबले को लेकर किस तरह से उत्साहित हैं और कैसे वो महामुकाबले के लिए टीम इंडिया को चीयर कर रहे हैं, इसका जायजा लिया न्यूज नेशन संवाददाता रवीश बिष्ट ने। एशिया की जंग में भारत और पाकिस्तान का महामुकाबला है, और पाकिस्तान से जब पिछली टक्कर हुई थी भारत की तो भारत को हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन यहाँ पे हालात बदल गए हैं और सब उम्मीद यही कर रहे हैं कि टीम इंडिया जो है हिसाब बराबर करेगी पाकिस्तान से चैंपियंस ट्रॉफी की हार का। हम दुबई में, और हमारे साथ दुबई में टीम इंडिया के काफ़ी सारे फैंस हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं किस तरीके की परफॉर्मेंस वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो उम्मीद कर रहे हैं टीम इंडिया से। मैच है पाकिस्तान के खिलाफ, क्या लग रहा है हिसाब बराबर होगा चैंपियंस ट्रॉफी का? अरे बिल्कुल बराबर होगा और छप्पर फाड़ के बराबर होगा। पिछली बार जो कमी रह गई थी वो यहाँ पे UAE में पूरी तरीके से पूरी की जाएगी। अच्छा, विराट कोहली नहीं आए तो क्या उनकी कुछ कमी खल सकती है? नहीं, कोई कमी खलेगी नहीं। धोनी, रोहित शर्मा, धवन, बहुत स्ट्रॉन्ग लाइनअप है, एंड इंडिया विल परफॉर्म एंड वी विल विन। अच्छा, आपको क्या लगता है कि टीम इंडिया जो है उसमें रोहित शर्मा के ऊपर कप्तानी है, मोहम्मद आमिर ने काफ़ी परेशान किया है, इस बार रोहित जो है हिटमैन, वो आमिर को भी बता देंगे कि क्यों उन्हें हिटमैन कहते हैं? बिल्कुल, ये हिटमैन जो है ये ऐसा हिट करने वाला है कि आमिर भी सोचते रह जाएंगे कि भाई क्या मिला है। आप किस खिलाड़ी से सबसे ज़्यादा उम्मीद करेंगे ये खिलाड़ी परफॉर्म करेगा और भारत को जीत दिलाएगा? आई थिंक सबकी नज़रें रोहित शर्मा पे होगी क्योंकि स्पेशली निडास ट्रॉफी फाइनल उठाने के बाद तो कार्तिक ने भी जलवा दिखाया था। कार्तिक का जलवा था लेकिन कप्तानी रोहित की थी, सो मिडास टच स्टिल विद रोहित। आई थिंक इस बार अगर रोहित लिफ्ट करता है
पाकिस्तान का मैच और अगर एशिया कप लिफ्ट करता है तो आई थिंक कोहली को सोचना पड़ जाएगा कि कप्तानी रखनी है या रोहित को देनी है। जी एक बड़ा सवाल है क्योंकि रोहित शर्मा अच्छी कप्तानी करते हैं, T20 क्रिकेट में अच्छी कप्तानी उन्होंने की, श्रीलंका के खिलाफ जो वनडे सीरीज भारत में खेली गई थी उसमें भी जीत दिलाई थी, रिकॉर्ड बहुत अच्छा है रोहित शर्मा का कप्तानी को लेकर, तो वो भी मेरे को लग रहा है एक एक्सपेक्टर है इंडिया के साथ। डेफिनेटली IPL में रोहित का जो रिकॉर्ड है वो काफ़ी अच्छा है एंड वो कैरी फॉरवर्ड ज़रूर करेंगे और जो भी उसने इंडिया के लिए लीड किया है वहाँ पर भी काफ़ी सक्सेस मिली है उसको, तो वी आर प्रीटी श्योर के ही विल डू वेल इन एशिया कप। दुबई में होने वाले भारत पाकिस्तान महामुकाबले को लेकर क्रिकेट प्रेमी जोश में हैं। जबलपुर में लोगों से बात की हमारे संवाददाता दुर्गेश कुमार। महामुकाबले की बात होती है तो बात आती है भारत पाकिस्तान के मैच की। जी हां, एशिया कप में आज भारत और पाकिस्तान भिड़ने वाला है और इस पर क्या राय है खिलाड़ियों की, इस जानने के लिए हम पहुंचे हैं एक स्टेडियम में जहां मेरे साथ तमाम वो छोटे छोटे खिलाड़ी मौजूद हैं, तमाम युवा खिलाड़ी मौजूद हैं और हम उनसे ही सीधे बात करेंगे और जानेंगे कि कितना उत्साह है उन्हें इस मैच को लेकर। क्या कहना चाहेंगे, आज भारत पाकिस्तान का मैच है? मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज हमारा इंडिया का जो मैच है तो मैं सबसे बड़ा फैन इंडिया का हूँ क्योंकि रोहित शर्मा मेरे बहुत ही अच्छे, मतलब बहुत अच्छे, क्या बोलूँ अब तो समझ नहीं आता। मैं यही बोलना चाहता हूँ कि बेस्ट ऑफ लक माय इंडिया, जय हिंद जय भारत। बिल्कुल, आप लोग भी आए हैं, क्या कहेंगे, एक ड्रेस पे हैं यहाँ पर, क्या कहेंगे आप लोग? हम यही बोलना चाहते हैं कि इंडिया मेरा मतलब धोनी, वो तो रिटायरमेंट ले लिया ना, वो कुछ नहीं होगा, बट इंडिया, आई लव इंडिया। बिल्कुल, आई लव इंडिया, यही तमाम लोग हैं और बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं यहाँ पर। आप तो ड्रेस ही पहने हैं स्टार इंडिया की, क्या कहेंगे, भारत पाकिस्तान का मैच है, कितना इंतजार कर रहे हैं आप? बहुत इंतजार कर रहे हैं, अच्छी अच्छी खेले इंडिया टीम और अच्छे से जीते। बिल्कुल, आप लोगों में से क्या कहेंगे आप आज? मैं यही कहना चाहता हूँ इंडिया पाकिस्तान का मैच, उनसे सबको मतलब ज़्यादा जोश में रहता है और इसलिए हम लोग बहुत दिन से इंतजार कर रहे हैं मैच के लिए, तो आई लव इंडिया, इंडिया जीतने चाहिए। बिल्कुल, बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ क्योंकि खबरों का सिलसिला यहाँ कभी नहीं थमता।